नमस्कार, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आ चुका हूँ इस समय सेठ जी की दुकान पे। यहाँ से हमेशा भाड़ा ढोते हैं, कहीं भी लेके जाते हैं। तो भाई लोग की सीमेंट लदने वाली यहाँ पर, और अभी दो बोरी भाई लोग फेंक दिए हैं। और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं सीमेंट लेकर के आ रहे हैं हमारे भाई साहब। कितनी बोरी आएगी? 10 बोरी सीमेंट भाई लेके जाएंगे। और गाँव पता नहीं अभी कौन से गाँव पे जाएंगे। अरे कोई मलूख ही जाएगी 10 बोरी सीमेंट। और ये उनके बेटवा है ना, सही पकड़े हैं। अरे पड़िए बांधी राधी चाटती रहती है ना। रिसेंट वो मीठा होगा, चीनी न डाए हो। और ये अपना साथी है, धान ढोने बराबर जाते थे आज से 15-20 दिन पहले। अब बारिश की वजह से मौसम डाउन हो चुका है, कुछ इस प्रकार से यहाँ का माहौल है। आज धूप नहीं निकली है, बारिश सुबह से ही हो रही है। फाइनली यहाँ पे 10 बोरी सीमेंट और 4 फार्मा लगने वाला है। और भाई अपने सफाई कर रहे हैं, और हम लोग फटाफट इसके बाद 50 बोरी सीमेंट टाटा लेके जाना है। फाइनली गाइस, अपना जो माल है रेडी हो चुका है, और हमने उस पर लाद के और सरिया ऊपर रख कर बांध दिए हैं। और यहाँ चलते हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर है, और देखते हैं भाड़ा कितना देते हैं दोस्तों। तो गाड़ी के अंदर फाइनली बैठ चुके हैं और निकलते हैं यहाँ से। भाड़ा भैया ने 200 रुपया दिया है, इसमें 12 बोरी सीमेंट और 2 क्विंटल सरिया, और इसके साथ ही 4 फार्मा लादे हैं। तो फटाफट से निकलते हैं, और रास्ता उन्होंने बता दिया है, मधुकी करके गांव है, वहां पर पहुंचेंगे। कमलाकांत नाम का एक टिब्बेल है, वहां पर रुकना है। और वो लोग कुछ सामान खरीदने गए हैं चौराहे की तरफ, वहां पर खरीद के, और हमको बोले उस टिब्बेल के पास रुकना, तो उसके बाद हम आ जाएंगे। तो फाइनली आइए चलते हैं वहां के लिए, और वहां पर पहुंचकर भाई साहब को वेट करते हैं, और उनके आने के बाद फिर उनके घर पर चलेंगे और माल उतार कर फिर कोई दूसरा भाड़ा की तलाश करेंगे। तो बने रहें। तो दोस्तों कुछ ये हमारे सामने का इस प्रकार से चारवा मेन मार्केट है, इस गांव को डांकेंगे। यहां से 1.5 किलोमीटर है, और पीछे से हम लगभग 1 किलोमीटर चल के आगे आ चुके हैं। तो चलिए यहां से लेते हैं इस साइड को, और ये गुलशन रेडी ये मेडिकल स्टोर है। जो लड़के लोग आ रहे हैं इधर ही हमको घूमना है, तो एक हाथ से मैं ड्राइविंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए रखता हूँ, अभी आगे दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं हमारी कुछ एंट्री इस प्रकार से अब गाँव वाली रोड में हो चुकी है, जिसमें काफी गड्ढे हैं। बारिश सुबह ही हुई थी तेज, और यहाँ पे दोस्तों एक हाथ से मैं सही चला नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को ब्लॉग के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये टावर है, और सरिया देखिए ऊपर इस प्रकार से निकली हुई है, और काफी बेहतरीन लुक आ रहा है। और ये सामने हमारे पास ये गांव का एयरटेल का टावर है। तो बने रहे ब्लॉग में, आगे चल के दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे 2 रास्ता है, ये वाला रास्ते से चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग ये वाले से चलेंगे और जल्दी पहुंचेंगे। इसके आगे से सफा रास्ता है, और पीछे मटेरियल जो है दोस्तों कुछ गिरने वाला था, तो उसको हमने देख लिए हैं, सही कर दिए हैं। और अब इस साइड के लिए मोड़ते हैं, और फटाफट से यहाँ से ज्यादा 200 मीटर की दूरी और बची है, सॉरी 200 नहीं है, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर और बचा है। 2 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपनी दुकान से, जो जहाँ से माल लादे थे। तो चलिए अब डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। फाइनली हम लोग दोस्तों आ चुके हैं, यही सामने वाला घर है, कुछ इस प्रकार से यहाँ का लोकेशन है। भैया का घर है, और टाली उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब इसके बाद आइए फटाफट से यहीं पे सब सामान खाली करते हैं उसके। फाइनली गाइस, अपनी गाड़ी हो चुकी है खाली, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे माल भैया ने अपना उतार लिया है। अब आइए चलते हैं घर के लिए, और चलते हैं, एक और भाड़ा लेकर के चलना है। 50 बोरी सीमेंट है, और उसको लाद के टाटा ले जाएंगे 25-25 करके दो बार में। तो बने रहे ब्लॉग में, आइए अंदर घुसते हैं। तो फाइनली गाइस, मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। 1 किलोमीटर वहां से माल उतारने के बाद मैं आगे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मेरे यहाँ पीछे एक बढ़िया सा सरसों का खेत है, जो बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है दोस्तों। और इस साइड हमें चलना है, 2-2.5 किलोमीटर अपना घर है, और ये अपना यहाँ पे 3-व्हीलर खड़ा हुआ है। इसको लेकर ऑल इंडिया टूर के लिए मैं आगे चल के निकलूंगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का लोकेशन है, थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने गाड़ी को रोका है, और बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम ज्यादा आज धूप नहीं है, बहुत ही सुहाना है, ठंड भी नहीं है। तो आइए फटाफट से चलते हैं दोस्तों आगे। तो गाइस, अभी हम लोग उतरे हैं गाड़ी से, यहाँ पे काफी ज्यादा जो सामने से बारिश होने की वजह से धूल मिट्टी जो जमी है उसकी छींटे पड़ी हुई है, तो सूखने की वजह से रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा इसको एक बार क्लीन कर लेता हूँ, ताकि सामने का जो है रास्ता बढ़िया दिखाई दे। और कुछ इस प्रकार से दोस्तों जहाँ पे मैं रुका हूँ, और मेरा घर बस यहाँ से 1.5 किलोमीटर और बचा है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ का सीन है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सीन है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर सरसों और गेहूं की खेती है, कुछ देखिए कैसे लाइन से जो है यहाँ पे हमारे तरफ सरसों लगाया जाता है। और बढ़िया अपनी यहाँ पे एक बढ़िया शानदार 3-व्हीलर ये खड़ा हुआ है दोस्तों, अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है, लगभग 8-9 महीने हुए हैं लिए हुए। इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन अलग से दूंगा। तो आइए चलते हैं फटाफट से गाड़ी के अंदर, और कुछ इंटीरियर है हमारी गाड़ी के अंदर का। तो चलिए फटाफट दोस्तों, अभी साफ हो गया, आप सब कुछ अच्छा दिखने लगा है।
चलिए चलते हैं। और मैं एक दिन दोस्तों इस लाइट का सामान ये लगा हुआ ऊपर देख रहे हैं, इसको लाद करके लेके आया था अपनी गाड़ी में, और ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 10-15 दिन पहले ही ये लगा है। और मैं ही लाद के ले आया था, 300 रुपए भाड़ा दिए थे, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह थी, टाटा नाम था, वहीं से लादे थे। और इस गांव खासियत बताऊं इस दोस्तों, इसको चराई किस लिए कहा जाता है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हर जगह हर घर में दो एक जानवर दोस्तों रहेगा जरूर, और बहुत ज्यादा जानवर पालते हैं पहले से ही। और ये भेड़ी वोड़ी होने की वजह से, ये सब भैंसे होने की वजह से इस गांव को जो दोस्तों चराई नाम ही दे दिए गए, देख लीजिए चारों तरफ और पूरा हर एक घर में है दोस्तों, तो इसलिए इसी गांव का नाम चराई रख दिया गया है। और हमारे गांव का नाम चरवा है दोस्तों, बहुत पहले की बात है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि हमारे गाँव का नाम चरवा क्यों रखा गया है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहे, इस गाँव को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों को गाँव दिखा देता हूँ, चराई अंदर मान ही गुजरूंगा, एक मिनट लगे, थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत है, और ये गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, गियर लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, बस यही दिक्कत है, तो बराबर लगा नहीं पा रहा हूँ, पकड़ते नहीं बन रहा है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से चराई गांव है, जहाँ पे हमेशा सब लोग यही भेड़ी वेड़ी पालते हैं। और ये देखिए इधर भी अंदर भेड़िया ढेर सी है, इसीलिए इसका नाम चराई पड़ा, क्योंकि हर लोग यहाँ चराने जाते हैं और बाहर खेतों में ले जाते हैं, तो उसको चराना बोलते हैं, उसी के नाम पे चराई पड़ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो चलिए अब रास्ता गड़बड़ है, रखते हैं दोस्तों। फाइनली जो मैंने बताया था कि 50 बोरी जाएगी, और टाइम आ चुका है, अभी कस्टमर ने फोन किया, और प्रिजम प्लस जेके सुपर प्लस जाएगी लगने के लिए, सॉरी सीमेंट का नाम है प्रिजम चैंपियन प्लस, ये सीमेंट अभी 25-25 करके टाटा लेकर के चलेंगे। तो आइए फटाफट लोड करते हैं और चलते हैं। हाँ देखिए लादने वाले हमारे भाई हैं, व्हाट इज योर नेम, नाम का है राजू भाई, और ये बाबुआ भाई, दो लोग हैं, और ये बहुत ही बड़े मेहनती लड़के हैं, क्योंकि ये लोग नशे में रह के काम करते हैं, तो देख लो हाथ में चाकू हरदम लेके रहते हैं। चलिए फटाफट से अभी आगे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 25 बोरी कुछ इस प्रकार से लाद दिए हैं ये भाई लोग, बहुत ही मेहनती लोग हैं, फटाफट से 100 बोरी एक सांस में लादने वाले बंदे हैं, लगातार काम करवाइए, सुबह से शाम तक खाते हैं बादाम और काजू, और मेहनत इतना करते हैं राजू कुछ पहले में नहीं। हमारे बबुआ भी एक एक ट्रैक्टर जो है लगातार इतनी दिन भर में 10-12 ट्रैक्टर भर देते हैं, इतने जीसीबी के माध्यम से। तो चलिए फटाफट से निकलते हैं, इसको टाटा लेकर के चलते हैं, और वहां के दिखाते हैं कैसा क्या है क्लाइंट हमारा। तो गाइस फाइनली अभी लगभग 2.5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद मैंने गाड़ी को कर दिया है खड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों। इस समय इसमें 12.5 क्विंटल जो है सीमेंट की लोडिंग आज मैंने टेस्टिंग की है कि उसमें सक्सेस होती है या नहीं होती है, तो दोस्तों बराबर 12.5 क्विंटल लेके जा रही है, रास्ता सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ इस प्रकार से ये लोकेशन है चारों तरफ, और बस कुछ ही दूरी पर दोस्तों ये सामने एक गांव दिखता है, वहीं पे चलना है, उस गांव के अंदर ही एकदम रोड चौराहे पे ही उनका घर है, तो वहां फटाफट से वो लोग उतार लेंगे। और पीछे कुछ इस प्रकार से यहां का नजारा है, आज पूरा दिन बदरी रहने वाली है लगता है, धूप नहीं होगी और बादल जैसे ही छाए रहेंगे। तो आप लोगों के सपोर्ट एवं प्यार से दोस्तों मैं आप ये है जो वीडियो बनाता रहूंगा, बराबर आप लोगों के लिए शेयर करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने अपनी ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी करी है, और थोड़ा सा आराम करते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। तो ये दूसरा आज का भाड़ा है मेरा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर काम लगा हुआ है, और इन्हीं की सीमेंट है, ये कुछ किराना की दुकान है, और ये अपना यहाँ पे देखिए माल लदा हुआ है, गाड़ी खड़ी कर दिए हैं ला करके, और आइए बैठते हैं, यहाँ की जो कारीगर यहाँ मिस्त्री लेबर जो हैं आके सीमेंट उतारेंगे, तब तक वेट करते हैं खाली होने का, फिर चलते दोबारा एक खेप और लेकर के आते हैं। क्या है टाटा में दोस्तों, तो ये अपने टाटा के रहने वाले भैया हैं अश्विनी कुमार, ये हमारे साथी हैं, पहले काम करते थे हम लोग साथ में, इनका लाइन इलेक्ट्रिक है और हमारा अभी ऑटो ही चलता है ना, तो लाइन हमारा चेंज हो चुका है, और इनका ये गाँव है कुछ इस प्रकार से, एक छोटा सा मार्केट है टाटा करके, तो ये यहाँ से देख लीजिए कुछ, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ ये गांव है। तो फाइनली दोस्तों हमारा दूसरा खेत भी आ चुका है, टोटल 50 बोरी हमने गिरा दिए हैं,
और यहाँ से लेना है भाड़ा और उसके बाद चलना है फटाफट से मनौरी के लिए। एक भाड़ा और आ चुका है और तीसरा भाड़ा भी करेंगे चल करके। जंगला गेट, दरवाजा, ये सभी चीजें हैं। और फोन अभी किए थे तो 1 बजे का टाइम दिए हैं, 12:30 बज चुके हैं और जल्द ही यहाँ से 15-20 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी और फिर उसके चलेंगे मनौरी के लिए। तो फाइनली गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और हम आ गए हैं अपने घर पे। और काफ़ी ज़्यादा जो है 2-3 भाड़ा किए, शाम हो गई और रास्ते में एक लोग से लकड़ी खरीद लिए थे और उसको अपने घर ढो करके लेके आए। और कुछ इस प्रकार से दोस्तों सामने अपने ये देखिए खाना बन के आ चुका है और खाना को खाते हैं और उसके बाद फिर जो है दोस्तों वीडियो एडिट करना है, एडिट करके अपलोड करना है ताकि आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो अभी आपने जो वीडियो इतना देखा पूरा दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप लोगों से लेता हूँ आज्ञा, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।